Why do you get burned? You shouldn't wear a veil around your neck. Money just slept, fool. You dick. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में आप लोगों ने गेम प्ले तो देख ही लिया होगा। आज आपके लिए मोड लेकर आया हूँ GTA San Andreas Modify Max ग्राफिक्स पैक। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, बस आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर न्यू से न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब हम चलते हैं डाउनलोड की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वाला लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे मेरी ब्लॉगर वाली वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको ये मोड मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। उसके अलावा जो है, इधर आपको एक चीट मेन्यू मिल जाएगा F2 से, बाकी इंडिकेटर लाइट्स के कंट्रोल्स लिखे हुए इधर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, टोटली जो इसका साइज़ है 500 MB में, और ये लो और हाई PC दोनों के लिए हैं, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, क्लिक हेयर पे वन क्लिक करना है, उसके बाद इधर आपको लिंक वन और लिंक टू मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जब आपके पास मूव डाउनलोड हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगी मज़ार की फाइल। आपने सिंपली राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा फोल्डर आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इधर आपको मिल जाएगा ENB, ठीक है। ENB है हाई PC के लिए, ठीक है। जैसे अब आपके पास 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, तभी आप ENB को यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
अब यह है मोड नीचे, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने कंप्लीट फाइल्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है आपने इसको अपनी गेम में पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब जैसे मेरी गेम सी ड्राइव में, ठीक है, तो मैं इसमें इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया रिप्लेस, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप ENB को ऐड करना चाहते हो, ठीक है, जैसे अब मेरे पास है 4GB का ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ENB को ऐड कर लूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, और उसके बाद जो है मैं इसको अपनी गेम में पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास रिप्लेस आ गया है, ठीक है, इसको हम कर देते हैं रिप्लेस। उसके बाद जो है यहाँ पर, अगर तो आपके पास विंडो 10 है तो आपने रन एडमैन से प्ले करना है, अगर आपके पास विंडो 7 या 8 है, ठीक है, तो आपने GTA San Andreas के आइकन से प्ले करना है। तो अब हम करते हैं रन एडमैन से प्ले। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मूड है 100% वर्क में है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इसका गेम प्ले भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं ये टोटली स्ट्रीट लाइट्स मैंने चेंज की हैं, ठीक है। उसके बाद इधर अगर हम नाइट का वक्त करते हैं, ठीक है, तो आपको इसकी लाइटिंग का कलर भी चेंज मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हम कर लेते हैं नाइट का वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपको लाइट्स का कलर भी चेंज मिलेगा इसका, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।